अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डेली क्यून रिएक्ट्स। मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ गुलनाज और आपके सामने हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज हम क्या लेकर आए हैं जनाब? आज हम लेकर आए हैं रैपर को यो हनी सिंह को। तो वही नई आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो आए हमारे साथ। आर्टिस्ट टूटे समझ नहीं आते। वो मेरा ब्याह किसी नाल भी करा दोगे पर एक सिंगर कदी भी नहीं। अपने पापा को बोल घूम घूम करके देखे सुपरस्टारों का जवान। हाँ हाँ सुपरस्टार, तेरे पता ना कितनी कुड़िया मैं दफा कर मैं करूँ। अच्छा, हमने जब रैपर्स को स्टाइल को देखा ना, सबका अलग स्टाइल होता है। भारी चैन, बॉडी पे कपड़ों से ज्यादा टैटू, ये अपने मन से करते हैं कि उनको रात को सपने में कोई आता है। मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको समझ में आए। और चेन्स भी, अब मैंने दो चेने पहनी है, ये एक अमर सिंह चमकीला के नाम की और एक अपाची सर के नाम की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस टाइम मेरे स्टूडियो में बहुत स्पेशल इंसान बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन एमी वे बंटाई। ये तो राइम भी हो गया भाई। मैं एमी वे भाई के साथ काम इसलिए करना चाहता था क्योंकि बातों की बातें हैं, जो मर्जी कहो, आई एम प्योर वाना बी ड्रे। तो मुझे एमिनम मेरा मिल गया है, वो अब हिंदुस्तान को पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हिप हॉप क्या होता है। आप हमेशा यंग आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो होमी हो या लिल गोलू हो कोई भी। तो क्या एमसी स्टैन के साथ आप कुछ प्लान करोगे? नहीं, उसका स्टाइल अलग है, मैं तो रैप रूप करता नहीं इतना, मेरा कमर्शियल म्यूजिक रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, अपना अपना स्टाइल, अपनी अपनी चॉइस। एक्चुअली मेरा एक गाना है वन मॉडल डाउन, जो हमने एल ए में शूट किया था, उसके लिए 450 मॉडल्स आई थी। 450 लड़कियां, तो कितने दिन में शूट किया आपने? हमने एक रात में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। हनी सिंह, आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ पहली बार हुआ है जिंदगी में, और सिंगर्स को भी नहीं है ना। क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार सवाल है कि एक टाइम था जब आपके गाने मिलियंस में जाते थे, मतलब 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, मतलब एक यूट्यूब पे ट्रेंड सेट होता था आपके गानों से। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं आपके गाने उतने व्यूज नहीं कवर कर पाते हैं। अभी गाने आ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं चौका मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, तेरी बात नहीं आऊंगा। अगर आपकी बेटी हुई, अगर आपकी बेटी को कोई लड़का
आप ही के गाने लिखे हुए डेडिकेट करता है तो कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल जरा भी बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इनफैक्ट वो शायद ये बोलेगी कि यार लोग ये जो तू सुना रहा है ना ये मेरे बाप ने लिखे, चल कुछ नया सुना। एंजॉय करने आई है बच्ची हराम जाने, सब साथ में आके सब बैठ पाई है मेरे भाई सब डॉलर के चलो। ये एंजॉय करने जाते ना परफॉर्मेंसेस यार, लड़की जा ही नहीं पाती इसी वजह से, सिगन की वजह से जाना। वो क्या बात है सर, सर रिपब्लिक डे आ रहा है। हाँ तो आपने एक गाना भी बनाया, ठीक है गाना सुना दीजिए, वो जो आपने एल्बम बनाया है आप बोलिए। मूंछों को थोड़ा राउंड लगा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, मूंछों को थोड़ा राउंड अन्ना के जैसा चश्मा घर में अपना इमेज बड़ी डिसेंट सी बना के रखी हुई थी, लेकिन बाहर में, हाँ बाहर में पूरी बदमाशी करता था पूरे एरिया में, लड़ाई झगड़ा ये वो सब गैंग चलाता था। अपने महल में बड़े शरीफ, और फिर घर में आके ना जब कोई शिकायत करे तो बोलते ही नहीं कि नहीं मेरा बच्चा तो बन नहीं सकता। दोस्तों मेरे साथ आज वो लड़की आई है जिसकी वजह से मैं, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया और सबसे ज्यादा साथ दिया, और जो है मेरी वन एंड ओनली। बट अभी करंट चैलेंजेस क्या है, लाइक व्हाट डू यू फील कि एज एन आर्टिस्ट आपके लिए कि हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज? नो बिग चैलेंज, थम्स अप सुपरस्टार। नो सुपरस्टार हनी सिंह ने नो डाउट कमबैक किया है, और स्टैंडर्ड जो हाई किया है ना हनी सिंह ने रैपर का, जबरदस्त किया है। हाँ। काफी सॉन्ग हमने रैपर का जो स्टार्टिंग हुई थी ना, हम लोगों ने जो सुनना स्टार्ट किया था वो हमने हनी सिंह से स्टार्ट किया था, नो डाउट। ये हमें भी पता चला था कि हनी सिंह रैपर है। हाँ। हमें उससे पता चला था। हम कौन इनके मद्दाहों में से है, मद्दाहों का मतलब है आपको हनी सिंह पसंद है इतना, कितने लोगों को पसंद है ये जाहिर पसंद है तभी तो इतनी पॉपुलरिटी है। कमेंट्स में जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।